पुष्कर भाई बच्चे को इधर मोहन और आप क्लैप क्लैप फोक म्यूजिक से जूनियर कैटेगरी में जो फर्स्ट प्राइज हासिल किया है नेत्रा टीकू स्टेज पर आ जाए फर्स्ट प्राइज जूनियर कैटेगरी नेत्रा टीकू अब मैं फोक म्यूजिक में सुनैना पटियाला जी सीनियर कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज आता है अनमोल कुमार जी को इस स्टेज पर आ जाए अनमोल कुमार जिन्हें थर्ड प्राइज आता है वो है अर्शियम मेहरा थर्ड प्राइज सीनियर कैटेगरी अभी पहुंचे नहीं है सेकंड प्राइज गोज टू नेत्रा टीकू नेत्रा टीकू के दो प्राइज आए हैं पहला फोक म्यूजिक में दूसरा लाइव म्यूजिक में नेत्रा टीकू जी सेकंड प्राइज इन लाइव म्यूजिक सीनियर कैटेगरी लाइट म्यूजिक में मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर सेकंड प्राइज गोज टू नाजिया अख्तर सेकंड प्राइज और इसी के साथ सीनियर कैटेगरी लाइट म्यूजिक में फर्स्ट प्राइज गोज टू साहिल भट्ट साहिल भट्ट स्टेज पर आ जाए फर्स्ट प्राइज गोज टू केशवीर शर्मा भजन कैटेगरी में जो सीनियर ग्रुप है उसमें फर्स्ट प्राइज गोज टू अभी शर्मा फर्स्ट प्राइज अभी शर्मा
तो डांसिंग कैटेगरी में जो किड्स अब जूनियर कैटेगरी में जो सेकंड प्राइज वो जो तपस्या क्या था इसी के साथ जूनियर कैटेगरी में डांसिंग का फर्स्ट प्राइज गोज टू अक्षदीप मोर अब बारी है सिंगल कैटेगरी की जिसमें थर्ड प्राइज जाता है ईशा देवी को ईशा देवी स्टेज पर आते हैं थर्ड प्राइज डांसिंग के सीनियर कैटेगरी में सेकंड प्राइज गोज टू स्माइल चिप चिप स्माइल चिप स्टेज पर आ जाते हैं एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू विशाल शर्मा विशाल शर्मा स्टेज पर आ जाते हैं एक जो नाम रह गया था किड्स कैटेगरी में डांटा था इसमें सेकंड प्राइज गोज टू कुर्सीमल कौर मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके फादर साहब आए प्राइज ले मोमेंटो में थोड़ी सी स्टेज होगी उनके मोमेंटो बच्चे के चढ़ते हैं फॉक म्यूजिक से सीनियर कैटेगरी में थर्ड प्राइज गोज टू सूरज शर्मा सूरज शर्मा जी स्टेज पर आते हैं अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा भजन म्यूजिक में जूनियर कैटेगरी सेकंड प्राइज गोज टू नंदिनी शर्मा भजन म्यूजिक में जूनियर कैटेगरी से फर्स्ट प्राइज गोज टू केशव वीर शर्मा प्राइस नहीं देगा तो मैं एने को वाला नहीं रखी से कि सारा स्टेज पर आए और बच्चों को अपने वैल्यूएबल वर्ड्स के साथ बच्चों को सुनाया अपने वैल्यूएबल वर्ड्स बच्चों के सामने रखे सर्वप्रथम मैं अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम में आए सभी को गुड आफ्टरनून कहता हूँ
गुड आफ्टरनून। मैं यहाँ पर आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह, बीएसएफ से रिटायर पर्सन। मैं 37 साल की सेवा बीएसएफ में देकर के रिटायर हुआ हूँ। अपने सेवा काल में भी मुझे सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सोशल प्रोग्राम, योगा एक्टिविटीज और परेड प्रोग्राम में भाग लेने का मौका मिलता रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ नाइफो प्रेसिडेंट श्री ऋषि कौल कोल्ड जी का तथा जनाब मुश्किल भट्ट जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया है और मैं इस पर अपना गर्व महसूस करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ बच्चों का जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके अपने हुनर को, अपने टैलेंट को दिखाया है। बच्चों के इस टैलेंट को मैंने बड़ी गौर से देखा है। हमारे बच्चों ने काफी मेहनत की है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। उसके अलावा इनके माता पिता, उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बच्चों के साथ साथ मेहनत की है और यहाँ पर जो है अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं। बच्चों से कहना चाहूंगा, खुद ही तो कर बलवंत ना, खुद ही तो कर बलवंत ना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे, इनमें बहुत टैलेंट है और इनके टैलेंट को जो है पूरी देश और दुनिया में दिखाने के लिए कोई साधन नहीं है। आपने बहुत बहुत अच्छा किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह के प्रोग्राम आगे भी ऑर्गेनाइज करा करके जो है बच्चों का टैलेंट को देश और दुनिया के सामने ले आए। इसके अलावा मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ चांदनी मैडम और गुरप्रीत सिंह जी का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया है और बच्चों को अपनी मंजन कराई है। इसके अलावा मैं मीडिया पर्सन का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों के इस हुनर को देश और दुनिया में लाने के लिए मीडिया का अहम रोल है। स्पेशल थैंक्स और नाइफो ऑर्गेनाइजेशन और चांदनी मैडम गुरप्रीत सिंह और मीडिया पर्सन का धन्यवाद करते हुए प्रोग्राम को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बच्चों का नाम लूंगा, बाकी बच्चे आ चुके हैं। डांसिंग में सीनियर कैटेगरी में स्माइल माइक चिप अगर आए हैं तो स्टेज पर आ जाए। सेकंड प्राइज गोज टू स्माइल माइक चिप। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पास जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है जर्नलिस्ट श्री नगेंद्र जम्बाल जी से कि वो हमारे चीफ गेस्ट सरदार सुरेंद्र सिंह जी को सम्मानित करें और साथ ही दो लफ्ज रखें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार सुरेंद्र सिंह जी का। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा नगेंद्र जम्बाल जी से कि सर सर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर नेशनलिस्ट यूथ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया। हालांकि ये ऑनलाइन प्रोग्राम था लेकिन जिस तरह से जम्मू के बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और अपने जो हिडन टैलेंट है वो बाहर निकाला,
काफी बार मैं नोटिस किया करता था कि जब कभी भी बॉर्डर पे हम जाते थे कवरेज के लिए या फिर कभी भी गांव में या कहीं दूर दराज इलाके में, शहर की बात करूंगा तो शहर के बच्चे जो हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं इन बच्चों से, लेकिन वहां पर बच्चे सामने आते थे, गाते थे, लेकिन प्लेटफॉर्म की जो बात करेंगे वो बिल्कुल नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारी यहाँ पर मौजूदा जितनी भी सरकारें रही हैं किसी ने भी इस चीज का बढ़ावा जो है वो बिल्कुल नहीं दिया। वो आपस ही लड़ाई में ही बिजी रहे, आज तक वो लड़ाई जो है बरकरार है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर इस माध्यम से जो मौजूदा एलजी प्रशासन है वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तो उनको चाहिए कि ऐसे बच्चों के लिए कोई ना कोई ऐसे ढंग का प्लेटफॉर्म जो है वो रखना चाहिए ताकि ये बच्चे भी किसी से कम नहीं है। जिस तरह से मुंबई में, दिल्ली में, अगर बाहर की बात करेंगे वहां पर प्लेटफॉर्म दिया जाता है, वैसे ही इन लोगों को भी देना चाहिए ताकि ये लोग भी, ये बच्चे भी अपना जो है हुनर पूरी दुनिया को दिखा सके। मैं बस इतना ही कहूंगा और सभी को जिस तरह से इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया, सभी ऑर्गेनाइजर्स को, चीफ गेस्ट को और माननीय जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स को कि चीफ गेस्ट सरदार सुंदर सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नागेंद्र जम्वाल जी को मेंटो के साथ सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र जम्वाल जी का। भैया एक मिनट, क्यों मैं बैठ ला जी, सर आप भी साथ आए, ओ सर आ जाओ ना, फिर लाइव चल रहा ना, आ जाओ जी, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए जिस तरह से ये प्रोग्राम में यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया है नेशनलिस्ट यूथ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ने, इस तरह से जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है हम देखते हैं कि वो प्रोग्राम्स करवाते हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने करवाया है, ये बढ़ावा दिया है छोटे बच्चों को, उन बच्चों को जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उन्हें जो है हिडन जो उनकी ये परफॉर्मेंसेस होती हैं उन्हें उजारा है, बाहर निकाला है। और जिस तरह से मैडम चांदनी सिंह की बात करूँगा, ये तो टीचर है ही हैं, इनकी एक स्टूडेंट है नेत्रा नाम की, वो जो है वो पूरे नेशन में जो अगर बात करेंगे पूरी कंट्री वाइड में वो पॉपुलर हैं और हर एक प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करती हैं। मैं यही चाहूँगा कि इस तरह से जिस तरह ये बच्चे हैं ये भी जो है वैसे ही बने, उसे अपना आइडल माने, और मैम तो है ही यहाँ पर गाइड करने के लिए, बस इतना ही कहूँगा मैं और ज़्यादा नहीं। जी सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के अंदर फैक्ट है हुनर की कोई कमी नहीं है, बस ज़रूरत है तो इनको जो है सामने लाने की देश और दुनिया को, और जो है इस नाइफो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम आगे करके और जो है बच्चों के टैलेंट को दुनिया के सामने लाएगी। थैंक यू जी। मैं सबसे पहले इन सब बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो यहाँ पे आए, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खासकर मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर का, चीफ गेस्ट का, इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, इन्होंने अपना काफ़ी कीमती समय हमें दिया। तो NYFO का एक ही मिशन है कि जो भी टैलेंटेड बच्चे, चाहे ना सिर्फ J&K की बात कर रहा हूँ मैं, हर एक ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी बॉर्डर एरियाज़ की बात कर लीजिए आप, रूरल एरियाज़ की बात कर लीजिए, विलेजेस की बात करिए, मैं चाहता हूँ, मेरा खुद का भी ये मानना है, मैं पिछले 18 साल से सोशल वर्क कर रहा हूँ, मेरा यही मानना है कि उनके टैलेंट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम दें ताकि उनका जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया तक जाए। तो मेरी यही मैसेज रहेगी और मेरी यही उम्मीद है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कि वो जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर एरियाज़ के बच्चे हैं, फार्मर्स के बच्चे हैं, रूरल एरियाज़ के बच्चे, उनके टैलेंट को पूरी दुनिया तक लेके जाए और उन्हें बेस्ट प्लेटफॉर्म दे।